दिल्ली और एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी में राहत की उम्मीद है। हल्की बारिश से उमस बढ़ गई तो वहीं आसमान में बादलों की हेराफेरी जारी है। बीते शुक्रवार को हल्की बारिश से उमस बढ़ गई, उसके बाद मौसम विभाग ने आज के बारिश का अलर्ट फिर से जारी कर दिया है। ऐसे में मौसम में हादसे ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे में घरों से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों की भविष्यवाणी कर दी है। 4 अगस्त यानी कल रविवार को झमाझम बारिश होगी। अगले दिन सोमवार को बादल और हल्की गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इसी दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के लगभग रहेगा। पीतमपुरा में 8.5 AM, डीयू में 6.5 MM, रिज में 6.2 MM की बारिश हुई, जबकि नजरगढ़ में 1 MM की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहेगा, यानी 33.4 डिग्री के लगभग। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहने की आशंका है। शुक्रवार को सुबह ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे। दोपहर में बादल और सूरज की लुका छिपी चलती रही। इसके बाद ही तेज धूप निकल आई। इसके बाद हल्की बारिश भी शुरू हुई, जिसकी वजह से उमस और ज़्यादा बढ़ गई। वहीं पीतमपुरा में 8.5 mm की बारिश हुई तो वहीं डीयू में 6.5 mm की बारिश हुई। नजफगढ़ में 1 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे अधिक तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़ रहा। नोएडा में मौसम विभाग ने पहले से बता दिया कि शनिवार को बूंदाबांदी रहेगी, रविवार को आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकल सकती है। वहीं सोमवार से पूरे 7 दिन फिर से बादल छाए रह सकते हैं। इसी बीच अलग अलग समय पर हल्की बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार को पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। दोपहर के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखी जाएगी। इससे दिन के समय तापमान में कमी आएगी और गर्मी में राहत बनी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी बारिश का सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहेगा। सिर्फ रविवार को धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है। इससे उमस भरी गर्मी में बढ़ सकती है। इसी बीच अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के लगभग रहेगा। फरीदाबाद जिले में शुक्रवार को मौसम परिवर्तन रहा। सुबह बारिश के साथ दोपहर में हल्की धूप निकली। दिन में अधिकतर समय बादल छाए रहने के चलते मौसम में उमस बनी रही थी। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में पिछले कई दिनों से भयंकर उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। हालांकि अभी मौसम में उमस और नमी बनी हुई है, लेकिन ये पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी कम है। शुक्रवार को फरीदाबाद में मौसम परिवर्तनशील बना रहा। सुबह के समय आसमान छाए रहे तो वहीं 11 बजे और दोपहर के लगभग 12 बजे क्षेत्र में हल्की सी बारिश भी हुई। उसके बाद अधिकतर समय आसमान में बादल छाए दिखाई दिए। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।